हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे पार्ट नंबर 26 और यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इसमें आप देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी कि जो गुर्दा होता है, आपका वृक्क होता है, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है न्यूरॉन और बी है नेफ्रॉन, सी है प्लूरा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली कार्यात्मक यूनिट क्या है आपकी, वो है आपके नेफ्रॉन। ठीक है, जो गुर्दे की सबसे जो छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होता है। और जो इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है और इसके बारे में जो पूरा स्टडी करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, डॉक्टर्स को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जो अध्ययन होता है इसमें, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। एंड यस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसमें ये था कि मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर किया जाता है, तो उसका आंसर 21 होगा, 21 दिन। और गलती से उसमें 7 दिन आंसर मैंने बता दिया था, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और जो मृत्यु पंजीकरण है वो 21 दिनों के अंदर कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मृत्यु पंजीकरण 21 दिनों के अंदर कराया जाता है, ना कि 7 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन सेंटर कहाँ पर स्थित होता है, ऑप्शन है सेरिब्रम में, बी स्पाइनल कॉर्ड में, बी सी मेडुला अबांग्लेटा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है कहाँ पर स्थित होता है, वो है मेडुला अबांग्लेटा में होता है। ये मस्तिष्क के पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका सेरिब्रम हो गया, सेरिबलम हो गया, मेडुला अबांग्लेटा हो गया, ये मस्तिष्क के मुख्य तीन पार्ट होते हैं। और भी पार्ट जो होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये सारे होते हैं, पर मेन पार्ट होते हैं सेरिब्रम, सेरिबलम एंड मेडुला अबांग्लेटा। सेरिब्रम को क्या कहते हैं हिंदी में, पर मस्तिष्क कहते हैं, और सेरिबलम को क्या कहते हैं, अनु मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, मेडुला अबांग्लेटा, यानी सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अस्थियों का सबसे बाहरी आवरण क्या है, यानी जो बोन्स होती हैं उनका सबसे जो आउटर लेयर है वो क्या होता है, पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम, पेरिटोनियम, पेरिमेट्रियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पेरिओस्टियम। बी क्या है, अस्थियों का सबसे बाहरी आवरण क्या होगा, पेरिओस्टियम होगा। और पेरिकार्डियम किससे संबंधित है, पेरिकार्डियम लेयर होती है आपके हार्ट में, यानी हृदय में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, एमाइलेज एंजाइम का निर्माण किस अंग में होता है, ऑप्शन है पैंक्रियाज, बी माउथ, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। पैंक्रियाज क्या होता है आपका, आपका हिंदी में से अग्न्याशय कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है आपकी छोटी आंत होती है। तो एमाइलेज एंजाइम का निर्माण कहाँ पे होता है, पैंक्रियाज में होता है, यानी कहाँ पे होता है, अग्न्याशय में होता है। एमाइलेज एंजाइम का निर्माण कहाँ पे होता है, पैंक्रियाज में होता है। और पैंक्रियाज जो होता है, अग्न्याशय क्या होता है, वे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथ होती है, यानी एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन ग्रंथ होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शंस कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड और साइनोकोबालमिन। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है, क्या होता है आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इटाई इटाई नाम की बीमारी किस कारण होती है। इटाई इटाई नाम की बीमारी किस कारण होती है। ऑप्शंस है, सेलेनियम की अधिकता, बी कैडमियम की अधिकता, सी नाइट्रेट की विषाक्तता, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इटाई इटाई नाम की बीमारी होती है किसके, कैडमियम की अधिकता से होती है। ठीक है, इटाई इटाई नाम की बीमारी कैडमियम की अधिकता से होती है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाखून किस प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन से केशिन, बी कैरोटीन, सी केराटिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाखून किस प्रोटीन से बना होता है, यह है आपका केराटिन प्रोटीन से बना होता है। आपके नाखून और जो बाल हेयर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन से अल्फा, बी है आपका बीटा, एन सी है गामा, डी इनमें से कोई नहीं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, और ये कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, ये आपका गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ओके, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी शिशुओं में किसकी अधिकता से होती है। ऑप्शन से क्रोमियम की अधिकता से, बी नाइट्रेट की अधिकता से, सी फ्लोराइड की अधिकता से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होती है। ओके, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, नाइट्रेट की अधिकता से होती है। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की यानी आरबीसीज की जो संख्या होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, और जो एसिटिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। ओके, और सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है जो आपकी बैटरीज होती हैं, ठीक है, उनमें किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन से 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर और 1 चैम्बर। तो पक्षियों के हृदय में होते हैं आपके टोटल कितने, 4 चैम्बर होते हैं, यानी सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, कोबाल्ट किस विटामिन का अनिवार्य भाग है। कोबाल्ट किस विटामिन का अनिवार्य भाग है। ऑप्शंस हैं आपके, विटामिन B1, बी विटामिन B12, सी है विटामिन B6, एंड डी है विटामिन K। ठीक है, तो कोबाल्ट किस विटामिन का अनिवार्य भाग है, यह है आपका विटामिन B12 का। ठीक है, विटामिन B12 जिसको क्या कहते हैं, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्ट कोबाल्ट साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का नाम है रासायनिक, और ये इसको क्या कहते हैं, कोबाल्ट इसका अनिवार्य भाग होता है। आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मायोपिया को क्या कहते हैं हिंदी में, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बायोफोकल लेंस,
सिलिंड्रिकल लेंस। तो एकादृश दोष में किसका किया जाता है, आपका अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। और तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और बाईफोकल लेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, द्विफोकसी लेंस, ठीक है, ओके। एंड सिलिंड्रिकल लेंस को क्या कहते हैं, बेलनाकार लेंस कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां काम करती हैं। ऑप्शन है 10 पेशियां, 12 पेशियां, 20 पेशियां और 15 पेशियां। तो मुस्कुराने में मुख की टोटल कितनी काम पेशियां काम करती हैं, ये आपकी 12 पेशियां काम करती हैं, ठीक है, मुस्कुराने में आपकी टोटल 12 पेशियां काम करती हैं, बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हाइपोथैलेमस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ठीक है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको, राइबोसोम को कहा जाता है, ओके। तो प्रोटीन की फैक्ट्री बी ऑप्शन इज राइट, राइबोसोम को कहा जाता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में से इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, और जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।